इंडियन ट्रैवल डायरीज। राइट नाउ हम हैं खजियार में, जो कि है चंबा डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के अबाउट 650 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से 650 किलोमीटर दूर। और ये है आइडियल फॉर अ फैमिली वेकेशन विद स्मॉल किड्स एंड इवन एल्डरली पीपल ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम। अगर आप कहीं और जाने से डर रहे हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। हम स्टे कर रहे हैं होटल देवदार में, विच इज मेंटेन्ड बाय हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट। एंड आप पीछे देख सकते हो उस होटल को मेरे, और मैं इस वक्त खजियार मिडो में खड़ी हूँ। एंड दिस इज द खजियार मिडो, राइट देयर इज द लेक, और ये है होटल मेरे पीछे। हमारा रूम टूर भी मैं देने वाली हूँ, देखते रहो, चलता रहेगा। तो अभी खजियार मीडो में थोड़ा सा घूमेंगे, फिर यहाँ पे सुनने में आया है कि स्नोफॉल भी हुआ है, तो फिर हम जाएंगे इन द सर्च ऑफ स्नो। खजियार मिडो के बीचों बीच एक मंदिर है जहां नाग देवता पूजे जाते हैं। खजी नाग के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर 12वीं शताब्दी में चंबा के राजा पृथ्वी सिंह जी ने बनवाया था। ये मंदिर लकड़ी का बना हुआ है। नाग देवता के साथ यहां भगवान शिव और हिडिंबा देवी की भी पूजा की जाती है। इस मंदिर के आसपास कुछ गेस्ट हाउसेस भी हैं जहां आप रह सकते हो। खजियार में जो खजी नाग का टेम्पल मैंने आपको दिखाया, ये उसी का लेक है। एंड कहा जाता है कि यहाँ पे खजी नाग स्थापित थे, रहते थे, या फिर जैसे हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है कि यहाँ पे खजी नाग विराजमान थे इस लेक में। सो दिस इज काइंड ऑफ अ पवित्र लेक। तो यहाँ पे आकर के जैसे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस भी है, आप इसमें स्विमिंग नहीं कर सकते हो, नथिंग यू कैन डू, गंदगी नहीं फैलाना है। ऑल्दो इस लेक का जो है मतलब मेंटेनेंस नहीं है, जो वाटर आता है वो शायद पहाड़ों से स्नो पिघल के ही यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है। कुछ पुराने बोट्स भी देखने को मिले हैं यहाँ पे, पता नहीं शायद किसी एक टाइम पे जब पानी ज़्यादा रहा होगा तो यहाँ पे बोटिंग होती होगी, बट अभी तो नहीं होता है बिकॉज पानी ही नहीं है उतना कि बोटिंग करे। बट हाँ, ये डेक सा बना हुआ है, आकर के बैठ सकते हैं यहाँ पे, फोटोग्राफी कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगी, जैसे मैं अपने मोस्ट ऑफ द यू नो यूनिक प्लेसेस के वीडियोस में करती हूँ, प्लीज़ इसको डिस्ट्रॉय मत करना, गंदगी मत फैलाना। जो भी अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए खाने पीने का सामान लेके आते हो, जो भी रेसिड्यू रहता है, प्लीज़ यहाँ पे मिडो में छोड़ के मत जाना, डस्टबिन से उसमें फेंकना या अपने साथ वापस लेके जाना। प्लीज़ डू नॉट स्पॉइल दिस प्लेस, एंजॉय करो, मस्त जगह है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, खजियार इंडिया के उन जगहों में से है जिसको ऑफिशियली बोला जाता है स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्योंकि स्विट्जरलैंड के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको सर्टिफाई किया था। ये जो एरिया है, ये पूरा एक जो मैदान है एंड उसके साथ जो
ऊपर ये बड़े बड़े जो ये पाइन ट्रीज दिख रहे हैं आपको, देवदार के ट्रीज दिख रहे हैं, इसके वजह से स्विस डिपार्टमेंट को लगा, स्विस टूरिज्म डिपार्टमेंट को लगा कि दिस रिजेंबल्स अ लॉट लाइक द मीडोज ऑफ स्विट्जरलैंड, तो उन्होंने ये ऑफिशियली इसको सर्टिफाई किया था। जब आप खजियार आओगे आपको ये देखने को मिलेगा, वो जो सर्टिफिकेशन है वो वहाँ पे लगा हुआ है एंड साथ में एक डायरेक्शन दिया हुआ है कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल, द कैपिटल सिटी ऑफ बर्न, यहाँ से कितना दूर है। देखो ये ट्रीज कितने बड़े हैं। खजियार मीडो में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ भी होते हैं, जॉर्बिंग होता है, बच्चों के लिए पैराग्लाइडिंग होता है, सी वहाँ पे ग्लाइड्स रखे हुए, पैराग्लाइड्स रखे हुए, पैराग्लाइडिंग होता है, हॉर्स राइडिंग होता है एंड अगर आप मेरे चैनल में देखो, मैं खजियार पहले भी आई हुई हूँ, गर्मियों में आई थी एंड उस वीडियो में मैंने आपको सारे रेट्स बताए हुए कि किसका कितना कॉस्ट है, चेक करो उस वीडियो को। अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर इज़ दैट प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे अच्छे पिक्चर्स पोस्ट करती हूँ, वहाँ पे आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, चैट कर सकते हो, मेरे साथ बातें कर सकते हो, मैं काफ़ी सवाल जवाब वाले गेम्स भी खेलती हूँ, क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल, यू कैन पार्टिसिपेट इन ऑल दोज, तो हम वहाँ पे और ज़्यादा टच में रह सकते हैं और ज़्यादा कनेक्शन हमारा बना रहेगा। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। होटल देवदार का फैमिली रूम जिसमें दो डबल बेड हैं, एक यहाँ पे है और एक है वहाँ पे। यू कैन सी कि हम अपना बेड कवर, पिलो कवर्स एंड ब्लैंकेट कैरी कर रहे हैं, जैसा मैंने इंस्टाग्राम पे मैं बताती रहती हूँ कि हाउ टू ट्रैवल ड्यूरिंग द पैंडमिक। फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, एक 5 साल की बच्ची ट्रैवल कर रही है हमारे साथ, तो हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेते हुए चल रहे हैं। सो दिस इलेक्ट्रिक केटल जो आप देख रहे हो, ये भी हम साथ में लेके आए हैं। रूम काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है, एज यू कैन सी हीटर प्रोवाइड किया हुआ है, दिस इज़ द हीटर, रूम हीटर, एंड ये रहा ड्रेसिंग एरिया, अलमीरा, ये ऑब्वियसली ब्लैंकेट प्रोवाइड करते हैं विच इज़ इन हीयर, बट हम अपना ब्लैंकेट एज लेके आए थे सो वी डिड नॉट यूज इट। एंड दिस इज द बाथरूम, गीजर लगा हुआ है एंड दिस इज द बाथरूम। तो होटल काफ़ी अच्छा है, खाना भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है एंड फैमिली के साथ रहने के लिए अमेजिंग प्लेस है। और रूम से ये रहा व्यू, That's the Khajiyar Meadow and there is the lake, और मेरी फैमिली यहाँ पे बाहर बैठी हुई है, मैंने सबको बाहर निकाल दिया आपको रूम दिखाने के लिए। खजियार से हम आए हुए हैं डेनकुंड, डेनकुंड पीक तक हम गए नहीं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी यू नो स्नो जो था वो जम के ब्लैक आइस हो रखा है, हार्ड हो रखा है एंड गाड़ी स्लिप हो रही थी तो हमने गाड़ी स्टॉप कर दिया। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्नो है तो इसी से अपना मन भरना पड़ेगा। ऑल्दो डेनकुंड पीक हम पहले आ चुके हैं, अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे, डलहौजी का वीडियो है तो उसमें मैंने डलहौजी दिखाया है, समर टाइम में कैसा लगता है डेनकुंड पीक वो दिखाया है, काला टॉप
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर का दिखाया है एंड ऑब्वियसली खजियार दिखाया है। बट इस टाइम हम विंटर में आए हुए हैं, स्नो है, कुछ दिन पहले स्नोफॉल हुआ था यहाँ पे, सो थोड़ा बहुत स्नो हमें मिल रहा है, तो अभी के लिए तो इतने में ही खुश होना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी लेके हम आगे नहीं जा सकते और यहाँ से पीक बहुत ऊपर है। हम फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, मॉम है हमारे साथ हु कैन नॉट वॉक दिस लॉन्ग, ऑल्सो अ 5-year-old किड, वो भी नहीं वॉक कर सकती है, तो हम यहीं पे खड़े होके सब मस्ती करने वाले हैं। क्या मजा आएगा, वो ले सकते हैं? हाँ ले सकती हो, जो साफ वाला है उसको पकड़ सकती हो। कहाँ है वो? देखो उधर है अंदर, संभल के संभल के वहाँ चले जाओ, उधर से अंदर चले जाओ। अरे देख लो अंदर, तो ये साफ है, इसको हाथ में ले सकते हो। ये पकड़ के लेके आई है इसको मुझे मारने के लिए, क्या करोगी तुम इससे? कुछ नहीं। हाथ में बॉल बना के ऐसे क्यों आई हो तुम और मेरे पीछे जाने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्या करना है इससे? मस्ती करना है। अच्छा क्या किया तुमने? कुछ नहीं। मिस्चीफ मैनेज। ये है मेरी 5-year-old नीस, मेरे साथ स्नो फाइट कर रही है, मुझे हरा रही है बुरे तरीके से। मजा आ रहा है तनु? हाँ। कितना? बहुत। यहीं पे रहोगी? नहीं नहीं, घर जाना है? हाँ, पर तब भी नहीं। तो फिर कब? बाद में। मेरा यही खुल गया था। और नहीं मारो, मुझे मारना पसंद है, मुझे मार दे दो ना। किसी और चीज पे मारो, तुम मुझे तो मुझे ही क्यों मार रही हो स्नो से? क्योंकि तू ही दुश्मन है। मैं दुश्मन हूँ? हाँ। अच्छा हाँ। मैं दुश्मन क्यों? क्योंकि तुम भी बड़ी हो, तुम भी कैमरा लेके खड़ी हो। मैं कैमरा लेके खड़ी हूँ इसलिए मैं दुश्मन हूँ? हाँ। तो तुम्हारे साथ खेलूंगी तो तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी? हाँ। ये हाल बनाया इसने मेरा, कौन जीता स्नो फाइट में आप ही बताओ अब। मैं। कौन जीता? मैं। अच्छा किसने बोला?